अरे लालू साहब एक बात बताओ, सब लोग तो अच्छे से ढोलक बजा रहे हैं, तुम बीच बीच में बंद क्यों कर देते हो? ये ढोलक बजाने का जो ताल होता है मेरा खराब हो जाता है, बीच में बंद तुम कर देते हो। इधर देखो मोदी जी जब से लगे पड़े हैं तब से इतना तेजी से ढोलक बजा रहे हैं, कभी कभी मुझे डर लगता है कहीं ढोलक ना फूट जाए। और इधर योगी और राहुल को देखो कितनी गजब ढोलक बजा रहे हैं, बिल्कुल ये तो ऐठे जा रहे हैं उसी में, इतना बिल्कुल मगन हो गए हैं बजाते बजाते। तुम तो रुक जाते बीच बीच में, मेरा ताल खराब हो जाता है। तुम्हारा ढोलक बजाने का तो कलाकारी तो इधर इधर देख लो, केजरीवाल और नीतीश दोनों लोग तुम्हारे देख रहे हैं, अच्छे से बजाओ। देखो ये लोग जैसे बजा रहे हैं। देखो अखिलेश ज्यादा बातें तो मत बनाओ, जैसे हम बजा पाएंगे वैसे हम बजाएंगे। हम इनकी योगी और राहुल जैसे थोड़ी ना हैं, हम तो शादीशुदा लोग हैं, हम तो हमारी शादी हो गई है, हम तो धीरे धीरे बजाएंगे। इनकी शादी नहीं हुई है इसीलिए इतना तेज तेज बजा रहे हैं, जिस दिन शादी हो जाएगी ये भी ढोलक धीरे धीरे बजाना स्टार्ट कर देंगे। इनके जैसा थोड़ी है कि हम रणुआ सम्मेलन में थोड़ी आए हैं, ये तो राहुल ऐसे ही बजाएंगे। और ज्यादा मत बोलो अखिलेश, हम बजा रहे हैं वैसे बजाएंगे। अरे लालू जी तुम हमको रणुआ कैसे बोल गए ये बताओ, तुम ऐसे थोड़ी तुम्हें बोलना चाहिए, सरे हम सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हो। अरे जब तुम हमारे जैसे थे तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, हमारी शादी को बोल रहे हो, तुम भी तो इतने बड़े थे तो तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, और जब मेरी शादी हो जाएगी तो हम भी तुम्हारे जैसा हो जाएंगे। अरे तुम हमारे बारे में गलत बोलोगे तो हमको बर्दाश्त नहीं होगा। इधर देखो राहुल भी गुस्सा अंदर अंदर से कर रहे हैं, बहुत बड़े वो बन रहे हो ना, तुम्हारी शादी हो गई है, जब हमारी हो जाएगी तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। फालतू ना बोला करो, बता रहा हूं एकदम बिल्टोजर बाबा, एकदम एकदम की बात तुमने कही है, बिल्कुल सही बात बिल्कुल बोली है। अरे हमारी तुम्हारी शादी नहीं है तो लोग मजाक बनाते रहते हैं, अंदर से तो इतना गुस्सा लगता है कि ढोल उठा करके इनके सिर पे मार दूं, लेकिन क्या करूं, यहाँ मजदूरी नहीं मिलेगी जो मुझे मजदूरी मिलती है, इसीलिए बजा रहा हूँ यहाँ पे। गुस्सा तो बहुत लगता है, इनकी शादी हो गई है तो बहुत बड़े शहंशाह बन गए हैं। भाई लोग वीडियो लाइक करें चैनल से। अरे मोदी जी एक बात बताओ हमका, कि हम ये सुबह से ढोलक बजाए मरे जा रहे हैं, बीन बजा करके हमारा गला दर्द करने लगा है। एक बात बताओ, हम लोग ये ढोलक इतनी देर से बजा रहे हैं लेकिन ये नहीं पता चल रहा किसकी शादी है यहाँ पे, ये तो बताओ किसकी शादी में हम लोग ढोलक बजा रहे हैं? सुबह से तो परेशान हो रखे हैं, तो मोदी जी बताओ किसकी शादी में हम बजा रहे हैं, तभी हम आगे से बजाएंगे, नहीं तो नहीं बजाएंगे। मुझे सुबह लेके आओ, तब से मैं लगा पड़ा हूँ, ये तो पता ही नहीं चलता साला शादी किसकी है, ये बताओ शादी किसकी है? अरे लालू जी तुम्हें एक बात तो मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी, कि तुम्हें शादी से क्या जानकारी लेना है? अरे तुम आए हो यहाँ पे, तुमको दिहाड़ी पूरी मिलेगी 250, तुमको बजाना है कि यहाँ पे फालतू अनाप शनाप बातें कर रहे हो? अरे 250 रुपये तुम्हें मिलेगा, तुम किसी की भी शादी हो। अगर तुम शादी की बात कर रहे हो तो तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन तुम ऐसे बातें तुम्हें करनी नहीं चाहिए सबके सामने। शादी यहाँ पे राहुल की है, आज राहुल की शादी हो रही है तो इसीलिए हम लोग बैंड बजा रहे हैं, पूरा बैंड पूरी रात बाजेगा, और यहाँ पे अखिलेश और केजरीवाल अभी डांस भी करेंगे, तुम देखते रहो कैसा डांस करते हैं। हम लोग ढोलक बहुत तगड़ा बजाते हैं समझ लो, खूब तगड़ा वाला। अरे मोदी जी मैं बताता हूँ क्या फंडा है इनका लालू का, मैं सीधी सी बात बताता हूँ। जब पिछली बार जब पार्टी हुई थी योगी के शादी में, तो इन्होंने कहा था कि मैं राहुल के शादी में बजाने नहीं जाऊँगा। मैंने पूछा क्यों नहीं जाओगे, तो इन्होंने बताया कि हमारी उनकी लड़ाई बहुत भयानक हुई थी इलेक्शन में, इसलिए हम उनके वहाँ पे बजाने नहीं जाएंगे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुमसे शादी से क्या लेना देना? ये कह रहे कोई बात नहीं, हम फिर भी नहीं जाएंगे, तुम कुछ भी कर लो लेकिन हम बजाने नहीं जाएंगे ढोलक, इसीलिए ये चुपके से इनको मैं लेकर आया हूँ, यही बात है और कोई बात नहीं है। अरे भाई लोगों ये तो बात बहुत मजे की है, अगर भाई यहाँ पे तो राहुल की शादी तो और मजे की बात है, बैंड वैंड अभी मैं रख करके मैं डांस भी करूंगा अच्छे से। अरे इनकी शादी है, अच्छे से डांस हम लोग करेंगे। अरे लालू गुस्सा हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम तीन लोग तो है ना, खाएंगे पियेंगे और डांस करेंगे, उसमें क्या हो गया? अरे गुस्सा रहेंगे तो भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अरे अखिलेश और योगी जी बताओ कौन सा गजल गाऊं आज, गजल तो हमारे मन में बहुत सारे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आता कौन सा गजल सुना दूं। गजल तो सारे अच्छे हैं लेकिन अगर तुम लोग अगर बता दोगे वो गजल मैं राग के साथ इतना गजब सुनाऊंगा कि तुम सुन करके कहोगे कि हाँ मैं कोई गायक हूँ, तुम मेरा नाम याद रखोगे पूरी ज़िंदगी। लेकिन तुम लोग बताओगे तभी मैं गजल सुना पाऊँगा, वैसे अपने मन से मैं क्या सुना दूँ, तुम क्या सुनना चाहते हो तो बताओ योगी जी, तुम ही बता दो या अखिलेश कोई भी बताओ, वो गजल मैं गा दूँ फटाफट।
अरे मोदी जी, हम क्या बताएं, तुम कौन सी गजल सुना दो। मैं तो कहूंगा कोई भी गजल सुना दो, हम सारे ढोल बजा लेते हैं सभी गजलों पे। तुम कोई भी गजल सुनाओगे, हम अच्छे से ढोल बजाएंगे। लेकिन इसमें बात यह है कि गजल सुनने के लिए तो सबसे ज्यादा योगी जी परेशान है। अब ये कौन सी गजल सुनना चाहते हैं, भक्ति सुनना चाहते हैं या शक्ति सुनना चाहते हैं, ये तो इन्हीं से पूछना पड़ेगा। हमारा क्या, हमें कुछ भी सुना दो हम तो सुन लेंगे। लालू भी कुछ भी सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां तो योगी जी से समझना पड़ेगा कि कौन सी गजल सुनाए। अरे योगी जी बता दो कौन सी गजल तुम सुनना चाहते हो, फटाफट बताओ। अरे मोदी जी, अगर तुम गजल सुनाना ही चाहते हो तो कोई ऐसी गजल सुनाओ कि हमको अच्छा लगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रखा हूं। अरे कोई मोहब्बत के ऊपर गजल सुनाओ, मैं प्यार वार के चक्कर में थोड़ा टूटा पड़ा हूं। तो ऐसा करो, मोहब्बत के चक्कर में सुना दो गजल तो मजा आ जाएगा। अगर ऐसा गजल सुना सकते हो तो सुनाओ, हम सुनने के लिए बैठे हैं, हम यही चाहते हैं कोई। अरे भाई, प्यार वार की बातें पे गजल सुनाओ तो मजा आ जाएगा टनाटन। अरे योगी जी, हम सच बात बताएं तुमका, हमारा भी यही मन कर रहा था गजल सुनने के लिए। अरे कुछ प्यार वार की गजल जब सुनाएंगे ना, मोहब्बत की, तो अंदर से समझ भी आएगा और समझ के साथ साथ में जितने भी हम लोगों के दर्द भरे पड़े हैं ना, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। तो मोदी जी यही गजल सुनाओ। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल से